ये बोलना चाह रहा था कि इसको बर्थडे भेज रहे हैं, उससे पहले भेज रहे हैं अपन घर की तो है यार, पूछने की बात है, भेजने की लगी रहती है, भेजने की लगी रहती है, नहीं जाऊंगी तुमसे अपने घर, मैं यही रहूंगी। ये लीजिए मैडम, पानी दियो, दूध लिया है आप? दूध गरम कर और ये तरबूज काट कर रहना, फ्रिज में रख दे एक बार। ठीक, तू नहा लिया आज? हाँ, सही बता। रात को बहुत ही बेकार न्यूज आई हमारे जो फ्लाइंग सिख जी ने बोलते हैं मिल्खा सर, मिल्खा सिंह जी, वो अब नहीं रहे, वो जो बहुत तेज दौड़ते थे ना, जो वही और 91 एज के हो गए थे, 91 इयर्स का, उनको कोविड हो गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खोलना, हाँ सही है। अरे मैंने शैम्पू करा, बाल ऐसे चिपके हुए हैं यार, ये उठ ही नहीं रहे। वो होंगे ही तो अभी सही के हो रहे हैं। हर्ष वांट्स टू टॉक टू यू, हर्ष वांट्स टू टॉक टू मी। हर्ष भाई है ना, वापस कार लेके चला गया और मैं वापस से स्कूटी पे घूम फिर के, मेरे को उसने पता क्या कार की स्टोरी बना के टैग कर दिया, मैंने कहा भैया आपने नई कार ले ली क्या, बताया नहीं। और वेजीज वगैरह भी लानी है यार, अपन को जिम भी जाना है। देखो पहले मैं एक बार फ्रिज में कोई वेजीज वगैरह पहले की रखी हुई है या नहीं, कुछ भी नहीं है ना, पहले की वो खराब हो चुकी है यार। ये आलू कुपारे जो तू लाया था ना, तूने चीज़ खट्टा तो खाती ही थी नहीं था, मैं देखा तूने पता नहीं कि भूल गई तू खाना, खाई नहीं गई, मेरे से बहुत खट्टे है, बहुत खट्टे। अरे यार वो देख के लाने चाहिए थोड़ी, तो कोई नहीं अपने आप सही हो जाएगी। वो तो मेरे को ऐसे बोल रहा था, बोलो भैया आप खाके देखो एकदम मीठे, मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस से बोला तो मैं तो लेकिन फिर सोचा कि मंडे से चले जाएंगे, दो दिन जाके फिर वापस छुट्टी जाएगी, तो क्या करेंगे, आज चलने का मन है अगर तो चल सकते हैं अपन जिम, चले लेकिन हर्ष नहीं है, फिर अपने को स्कूटी जाना पड़ेगा तब जाएंगे। इनको फ्रिज में रख दिया जाए ताकि थोड़े ठंडे हो जाए, और घर फ्रीजर में रख दूंगी उसको, जल्दी से हो जाएंगे ठंडे, थोड़ी सी देर हो जाएगी ठंडे। देखो कल रात को मैं इसी लिए ना आइसक्रीम लेके आया था, तो मेरे को खाई, दो लाया था, एक मेरे को खाई, अभी अभी मेरे को खाएगी, अभी मेरे को खाएगी। आधा किलो ही तू गरम करा, हाँ मैंने अभी किया है, फिर वो आधा, फिर वो भैया खराब हो जाता है। चल कोई नहीं, बढ़िया काम किया तूने, ये कुछ बनाने का सीन है क्या तेरा आइसक्रीम खाने का? आज तो खाना आ गया ना, खाना आ गया क्या? तो खाना आ गया, कल संडे, कल का सीन बताएंगे, कल संडे थोड़ी है, कल संडे है, कल क्या संडे? हाँ वो भाई कल संडे है, कल इडली सांभर बनेंगे ना, कल इडली सांभर खाएंगे, कल वापस से हमारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे। देखो बताया एक और चला गया यार उनमें से, और क्या हो रहा है ये, हर एक संडे के चार, पहले पांच थे फिर चार, अब तीन बचे हैं, उनमें से भी हाँ एक चला गया, नाम भूल गया मैं, नाम बता, नाम बता, नाम क्या क्या है उनके, थानोस, कैथरीन, नहीं नहीं थॉर, कैथरीन, क्लाउस, क्लाउस चला गया यार, मेरा फेवरेट है क्लाउस, के बिना मेरा मन नहीं लगता, क्लाउस चला गया, सबसे शानदार था। लेकिन भैया पहले एक रख रहे थे, अभी वो दो रखने के लिए बोल रहे हैं, बोले दो तो रखेंगे ही रखेंगे, उनका भी मन नहीं हो रहा देने का यार, मैं क्लाउस के बिना कैसे रहूंगी, वो बहुत प्यारा है। कभी तूने मेरे लिए तो ऐसे बोला नहीं कि मेरे बिना कैसे रहेगी, बोला था मैं कल, कब बोला तूने, बोला था ना उस दिन, अच्छा मेरी बात सुन ले, हाँ। यार क्लाउस सबसे प्यारा है यार, उसके वो तो चला गया, लेकिन चला गया, वो तो चला, कौन लेके गया उसको, वापस लेके जाओ। संडे को हमारे पास उसकी विजिट है, ओके। हमारा मतलब एकदम संडे फंडे की जैसे हो गया, हाँ। उस दिन हम सिर्फ व्लॉग बनाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, बस खेलते हैं और अच्छा सा खाते हैं, इडली सांभर खाएंगे, क्योंकि बाकी मंडे टू सैटरडे ना एक औरत बनाती नहीं है यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वो मंडे टू सैटरडे वो ऑफ पे रहती है, वो सिर्फ संडे को काम करती है, और हम मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे को ऑफ पे रहते हैं। आज डेट हो गई 19 और 21 को किसी का बर्थडे, अरे वाह, सही है, 21 को ही है, मैं तो 21 को ही जन्मी थी, 22 को सब बर्थडे, अच्छा मैं तो बात ही नहीं करी किसी को, मेरा बर्थडे याद नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब तो इडली खिलाएंगे ना उस दिन, याद करूंगा अच्छे से बैठ के, आधे घंटे से बोल रहे मेरा दूध गरम कर दे, दोनों के दोनों पी के बैठ गए, दूध ऐसे नहीं, मेरा दूध गरम हो रहा है, इसको चाहिए एक ग्लास दूध, हमारे पास पूरा आधा किलो, फिर आधा खराब हो जाएगा ना, तो मैं दूध नहीं पीऊं, नहीं तो ये क्या बात होती है, शाम को पीना, कहाँ जाएगी इतना खा के यार, हो रही है ऐसी मोटी, कैसे बेकार है, मेरे बालों को पोषण कैसे मिलेगा, दूध नहीं पीऊंगी तो, अच्छा तेरे को एक बात, कैमरा छोड़ दो, तेरे से संभाला भी नहीं जाएगा वैसे, ये मत पकड़ा कर इसको, कम बोल, तेरे को जब दूध इससे बड़ी है ना तू, तो दूध गर्म करना नहीं आता, तू भी तो इससे बड़ा, तू कौन सा दूध गर्म करता है, रोज मैं करता हूँ, उसने आज कर दिया, 3 साल बाद वो ना लिया, तो इसलिए तो पड़ी रहती वहाँ पर बैठ के ऊपर, देखो कुछ भी मुझे दूध गर्म करके हाथ में देना चाहिए, ओके एक बात पता मुझे, तू गर्म करता है तो दूसरे को नहीं गर्म करके दे सकता, तो मैं तो गर्म करके देता हूँ तो सबके लिए हो जाता है वो तो गर्म, लेकिन मेरे लिए तो नहीं हुआ ना, हाँ तो तेरे लिए खुद कर, दूध खराब हो गया हमारा, तू देख
मैं दूध पीती हूँ उनका दूध खराब हो जाता है। देखो घर निकाला कर रहे हैं मेरा, जाना चली जाना। तो वो दिखेगा सिर्फ उसमें ही, किसमें? घाघरे में। घाघरा है घर पे, घाघरा कल आएगा तो कल बनेगी होली। अपन डांस क्लास कब से जाएंगे? जब से जिम जाएंगे, दो दिन जिम, मतलब चार दिन जिम और दो दिन वो। आज मेरे को बड़ी अच्छी नींद आई यार, कल रात को सोया मैं 1 बजे। मुझे भी मस्त 9 बजे तक सोया हूँ, 8 घंटे सोया हूँ पूरा। मैं 20 हो जाऊंगी, 20। अभी तू भी भूल गया था बर्थडे की डेट ही भूल गया। ये तो 21 बोल रहे थे। अरे तो थोड़ा कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे। 22 तो 22 आ गया, थोड़ी चलनी थी, मैं आ गई 21 को आती हूँ। देख हमारे घर में ना, मतलब मम्मी के 3 बच्चे है ना, तीनों जुलाई जून जनवरी में, जे और है ना, मैं 2 जनवरी को, 22 जनवरी को और जानू 12 जुलाई को, सब दो 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 दो। हाँ ये चीज है, और तीनों ऑपरेशन से हुए। और लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊँ, हम दोनों बहनें अच्छी हैं और मेरा भाई एक नंबर का वो है डाकू। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, ओके? मेरा भाई डाकू है। मैं पहले तेरे बर्थडे का वेट क्यों कर रहा हूं? पहले वेट कौन कर रहा है तेरे बर्थडे? हरे इन्होंने अपनी मन की बात बोल दी। तेरे को टाइम बर्थडे बॉम्ब दे सकूं पीटू को रात को 12 बजे दहगों से वेट कर रही हूं। क्यों? कल हमारे छोटे बच्चे आएंगे। हर जगह टाइम से आ जाते तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार स्कूटी से जाकर इडली सांभर में जो भी चीज़ें डलती हैं वो सब लेकर आऊँगा, और फ्रूट कस्टर्ड भी बना रही है मैडम जी, तो वो फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आ जाऊँगा। ओके आज ट्राईपॉड में टक गई बेचारी। तो उसमें मेरी क्या गलती, मेरी तरफ आँख कैसे दिखा रही है? देख रहा है इसको। कहाँ जाना है? उसका सामान लेने जाना, सब कुछ लेके लेके। क्या लेके आना है तुझको? स्प्रे बॉटल। सुंदर सी, सुंदर। अरे बारात में नहीं जा रही है, चले। तो चलो ना, मैं तो कब से बोल रही हूँ चलो। आज गाड़ी हमारा भाई चलाएगा। एक बार बैठना है कि बैठना है कि बैठना। सीधी कर इसको। सीधी कर। नहीं ये नहीं, स्प्रे बॉटल चाहिए ऐसी वाली। इधर रखी सारी बॉटल्स। ये तो स्कूल वाली वाटर बॉटल है भाई। भाई मैं स्कूल में देखता था, मेरी सबसे अच्छी बॉटल बनती थी बचपन में। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। नहीं ये होता था कि सबसे ज्यादा देर तक ठंडा पानी किस करेगा। ये वाली ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। क्या बोल रही हो? देखते हैं ये ले ले तू तो। कौन सी वाली? ये वाली। हां ये वाली ठीक है। ये कीवी, कीवी नहीं डलता क्या उसमें? कीवी लेऊं ये? लेकिन कीवी से फ्रूट हो जाएगा फिर। चल तो फिर दूसरा ले। मैंगो ढूंढ ले अच्छा सा। ये तो खराब है भाई सारे। नाइस। वेजीज भी ले लेते ना। ले लूं। मशरूम ले ले, कॉर्न ले ले, स्वीट कॉर्न भी ले ले। पैकेट फटा हुआ देखा तो कर, फटा हुआ पैकेट ले लिया। सही है ना? ये 3 किलो का डंबल रख ले, इसको रख ले। हाँ इतनी बड़ी ले ले, आधा आधा किलो का डंबल ले रही है। और ये कौन सी सब्जी है? पर्पल? अरे ग्रीन है। अरे परवल। अच्छा परवल। ये है पर्पल। ये वो सब्जी है जो हम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। टिंडे चल चल, तू गाड़ी चला ले, मैं पकड़ के बैठ जाता हूँ। सही है ना ये? हाँ एकदम सही है। वो भी लेके आऊँ क्या? अपनी हेयर वैक्स। मुझे कहाँ गई? यही ना, हेयर वैक्स भी लेके आ गया मैं। नाइस। कटता ही नहीं है ये। बेकार सा चक्कू दिया। ढंग से काट। मैं काट रही हूँ ना। और कुछ भी डालेगी? टमाटर में खाएगी? इसमें डालूंगी चाट मसाला, नींबू, मिर्ची, नमक। प्याज के साथ भी अच्छी लगती है ना नमकीन? भैया हमें प्याज अच्छा नहीं लगता। बट हम बिल्कुल प्याज अच्छा नहीं लगता, बट हां टेस्टी तो लगती है प्याज के साथ। हां लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे मुंह में पानी आ रहा है तो मिलेगी नहीं। क्या कर रहे? अरे यार ये हेयर टूल हमने सोचा ट्राई करें। ट्राई तो करा लेकिन पहली बात तो मेरे बाल की लेंथ में बैठा नहीं। लोगों के रूट से यहाँ तक आ जाता बैठा नहीं। बेकार है। बिल्कुल अपनी बड़ी बहन पे गई है। बस हो गया। ज्यादा नहीं। वाह ठंडी हवा चल रही है यार। क्या कर तू आलसी? या
दो घंटे कंटिन्यू बारिश आई और उस टाइम दो घंटे मैं सो लिया, मैंने कोई भी काम नहीं करा। और उठते पहले मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई ये बारिश कंटिन्यू आई थी ना दो घंटे जिस देर में सो रहा था, क्योंकि अगर पहले बंद हो चुकी होगी तो मेरे को बुरा लगता कि मैंने सो गया काम नहीं करा मैंने, लेकिन अब बारिश आ रही थी। और यशी ने भी सोते सोते मुझे बोला था कि तू सो जा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बारिश आ रही तो काम नहीं कर सकता। अगले आज देख ले खुद को ब्लॉग में, दो दिन एक आध दिन में तेरे को भेज देंगे वापस घर, ठीक है? तेरी विदाई करते हैं। प्लान बना क्या है अभी अभी का प्लान? इसका बर्थडे है ना, बर्थडे पे अपन इसको सबसे बढ़िया गिफ्ट देते हैं, इसको विदाई कर देते हैं। और मैं रोते हैं पर बहुत देते हैं, ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा। और गाना गाना चलाएंगे बाबुल की दुआ ले ले। बर्थडे पे तू क्या खाना बनाने वाली है? अगर अच्छा खाना वाना बनाए तब तक तो हम कुछ सोचे। सबसे छोटा केक भी इससे तीन गुना बड़ा होगा। अंकल से बंगाली मिठाई मंगा देंगे, इसको कटवा देंगे एक बंगाली मिठाई के पीस को, वही खिला देना सबको। मेरा 20th बर्थडे खराब करोगे क्या? बर्थडे का क्या प्लान है? मेरे को घूमने जाना। अभी उसके हैंडल में बैंड आ गया। मुझे तेरे को मैं बोलती रही, तूने मेरे को एक बार भी स्कूटी पे नहीं बैठने दिया। कब बोलती रही? देखो मैंने कितनी बार बोला मुझे स्कूटी सिखा दे, जिन्होंने मेरे को सिखाई नहीं, मेरा मजाक उड़ाया। मैं तो मजाक उड़ाया। पता है क्या करती थी मैं, जब पापा छोड़ते ना ऐसे जाते थे ना, तो मैं बोलती घूम, पापा छोड़ते थे, छोड़ते थे, तब तू क्या करती थी? मैं सही बात, तो पापा को बोलती थी सुबह सुबह, वो जाते थे ना काम में घुमा के लेके, और पता है उसमें बाइक में पीछे उल्टी बैठ जाती थी और मैं चक्कर घुमा के लेके आती। स्कूटी पे उल्टा तो मैं भी बैठा हूँ। आप लोग भी बैठे थे दोस्तों की स्कूटी पे, उल्टा बैठते और ऐसे पकड़ के, अगर आप लोग भी ऐसे बैठे तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपके दोस्त का फोन चार्ज पे लग रहा हो तो पहले तो अपना फोन चार्ज पे लगाओ। फोन चार्ज पे लगा दिया उसके बाद दोस्त का फोन ऊपर रख दो और ऐसे कर दो, अभी वो आसपास से चलते हुए देखेगा ना तो उसको लगेगा कि उसका फोन चार्ज पे लग रहा है। थैंक मी लेटर। ओके बाइस, अभी जाता हूँ मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए। कितना प्यारा कमेंट आया है। क्या? सुयश व्लॉग तो मेरा इतना फेवरेट है कि मेरे भाई के बेबी हुआ है और मैंने उनका नाम, उसका नाम सुयश रख दिया। अरे यार ऐसे कमेंट पहले भी पड़ा है। अरे यार मजा ही आ गया। वाओ सो क्यूट। जब भी मैं उसे बुलाता हूँ ना मुझे सुयश व्लॉग की याद आ जाती है। यार। एक और कमेंट था ना कि बच्चे होने वाले अगर लड़का हुआ तो सूरज, लड़की हुई तो यशी नेम रखेंगे, और वो हमेशा सुयश व्लॉग देखती है। अभी हम भी किसी के परिवार के हैं भाई, हमारा भी नाम रखो। एक कमेंट आया, भैया नहीं मेरे मामा ने भी दूसरे मामा का ट्रैक्टर समझकर अपना धो दिया था। अपन लोगों ने ध्यान नहीं दिया अपने ब्लॉगिंग करते हुए, 2 महीने कम्प्लीट हो चुके। दो महीने से इसको झेल रहे हैं अपन। वही सुबह सुबह यशी को पता क्या बोलते, यार तू चली जा यहाँ पर मत रह तू। भाई मकान मालिक इनको भगा रही है, ये बता। किराया देता है, रहता है, मजे करवाता है। तू तो खाना भी नहीं खिलाता है। कस्टर्ड बना लिया तूने? रात को बनाऊंगी ना। तो ये सुबह हो रही है भाई, देखना बाहर। धूप तेज है यार अंदर। रात को बनाऊंगी 10 बजे यार। रात को खाना खाने के बाद आइसक्रीम की डिमांड और करनी है मैडम। हाँ तो उसको रखे रखोगे तो कोई तो खाएगा, उससे बचा के मैंने कोल्ड ड्रिंक रख रखी, वही पता नहीं चेक करनी पड़ेगी पी गया। एक तो यही गरीब लेके आया था कल और आज वही खा गया, तो ऐसे हो रहे हैं। इसका यही सीन है, इससे पूछो ना तुझे कुछ खाना, अरे यार नहीं भाई तुम अपने लिए ले लो, और जब आ जाएगी अरे वो तो मैं खा गया। दो तीन एक्स्ट्रा लेकर आनी पड़ती है, वो एक नहीं ऐसे नहीं कि दो लिया हूँ मैं, 3-4 एक्स्ट्रा लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि वो कभी भी पी जाता है पता भी नहीं चल देता। इसको खुद को भी पता नहीं चलता है क्या खाता है। हाँ चलते फिरते कथा उधर मैंने पी दिया। मैं बोलना चाह रहा था कि इसको बर्थडे भेजने उससे पहले भेज रहे हैं अपन। घर की तो बेकार है, मुझे भी ये बातें भेजने की लगी रहती है, भेजने की लगी रहती है। नहीं जाऊंगी, तुम सपने करो मैं यही रहूंगी। नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा।
फ्लैट गाड़ी सब बिकवा देगी। चिट फंड में पैसा मत डलवा दियो हमारा। लक्ष्मी चिट फंड। इस हिसाब से ना रोज की 3-15-16 स्टोरी डालता ना ऑफिशियली सबने इसकी गाड़ी मान ली है। तू अनुराधा का भाई है। तू अनुराधा का भाई है। गाड़ी दे रहा तू यार। आज जिसने स्टोरी डाली उसमें ना अपना चला रहा गाड़ी और मेरे को और हर्ष उसको सूरज को टैग किया हुआ। सूरज स्कूटी पे घूम रहा है टैग स्टोरी पे कर दिया कार की। फिर मैंने ना हर्ष को रिप्लाई किया स्टोरी पे और यार भाई नई गाड़ी ले ली यार बताया भी नहीं इसका कवर भी ऑर्डर कर दिया। हाँ कल मुझसे पूछ रहे थे ये वाला कवर की ये वाला कवर को यार ये क्या मंगा रहे हैं। अब हुआ ये अपनी गाड़ी के लिए तो इंतजाम करता ही है। और कमेंट आ रहे भाई कि सूरज भी आपको गाड़ी चलानी नहीं आती आप सीख लो गाड़ी। अरे यार व्लॉग देख रहे व्लॉग नहीं देखा क्या पहले मैंने गाड़ी सीखी है। गई वो हम जान बूझ के परेशान कर रहे थे उसको। अब बर्थडे तक उसको जीने नहीं दूंगा मैं चैन से। परेशान नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा भाई। परेशान करेगा तो चली जाएगी वो फिर खाना कैसे आएगा भाई। चलो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल। बाय बाय।